दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है और आप 2 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले लाइफ प्रूफ देख लो। आज मैं आपको एक ऐसे इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर हमने लोन अप्लाई किया है, 50,000 रुपये हमें मिल चुका है और 50,000 के लोन में से 48,230 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं और ये जो लोन हमें मिला है पूरे 9 महीने के लिए मिला है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पर मंथ है। दोस्तों, अगर आपको भी पैसों की जरूरत है और आप भी इमरजेंसी में लोन लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है रिंग एप्लीकेशन। देखो, रिंग एप्लीकेशन पर आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिलता है। यहां पर लोन लेने के लिए इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बहुत सिंपल सा और बहुत कम क्राइटेरिया है। सबसे पहले बात करेंगे, आपकी एज 18+ होनी चाहिए और आपके पास एक ओरिजिनल आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, बस 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और भारत के किसी भी बैंक में आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप इस पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे। और सिबिल की बात करेंगे भाई, तो यहाँ पर जो सिबिल का क्राइटेरिया है वो मामूली सा है, यानी कि अगर आपका सिबिल स्कोर 650-600 के आसपास है तो बहुत अच्छे तरीके से आपको लोन मिल जाता है। पर मान लो कि आपका सिबिल स्कोर इससे भी कम है या आज तक आपका सिबिल स्कोर बना ही नहीं है, तो भाई जिन लोगों का सिबिल स्कोर बना नहीं है उनको भी यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर कुछ ना कुछ लोन जरूर मिल जाता है। मतलब अगर आप इस ऐप पर आकर लोन के लिए अप्लाई करोगे तो छोटा मोटा कोई ना कोई लोन आपको यहाँ पर 100% मिलने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लोन कैसे लेना है, कैसे प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट तरीका बताने वाला हूं। आपको जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों सर्च करना है रिंक लोन ऐप, आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। यहां पर आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा स्किप वाला ऑप्शन, आप स्किप करेंगे। यहां पर आपको देखने को मिलेगा गेट स्टार्टेड, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने आता है इंडियाज फेवरेट ट्रांजेक्शन क्रेडिट ऐप, यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा और उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहां पर लोन अप्लाई करने से पहले आपको अपने बारे में कुछ डिटेल देनी होती है, तो यहां पर आप अपना फर्स्ट नेम बताएंगे। आप अपना फर्स्ट नेम वही बताएं जो आपके पैन कार्ड पर है, उसके बाद लास्ट नेम बताएंगे, अपने फादर का नाम बताएंगे, एक ईमेल आईडी देंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे अपने पैन कार्ड के हिसाब से, उसके बाद अपना जेंडर बताएंगे मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस बताएंगे आप सिंगल है मैरिड है, उसके बाद देखने को मिलेगा कंपनी कोड प्रमोशनल कोड, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये ऑप्शनल है। उसके बाद देखने को मिलेगा यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन, यस आई वुड लाइक टू रिसीव नोटिफिकेशन, सिलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस ऐप पर आपको 5 मिनट के अंदर 2 लाख रुपये तक का इंस्टेंट लोन मिलता है। लोन लेने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन पूछी जाती हैं कि भाई आपको SMS लोकेशन एंड फ़ोन की जो परमिशन है उसकी जो है आपको परमिशन देनी होगी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रीड एंड एक्सेप्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा डिजी आधार। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो है अपने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करना है डिजी लॉकर के माध्यम से, तो अगर आज तक आपने डिजी लॉकर नहीं बनवाया है, ठीक है, तो आपको इस वीडियो के लास्ट में एक दूसरी वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को देखकर आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिंग ऐप, यहाँ पर आप देखेंगे एंटर आधार नंबर, अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपको कैप्चा देखने को मिलेगा, इस कैप्चा को यहाँ पर डाल देंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, यहाँ पर हमसे डिजी लॉकर का जो सिक्योरिटी पासवर्ड है वो पूछा जाता है, सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने डिजी लॉकर का जो पेज है दोस्तों ये देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारे 2 डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक फैच किए जा रहे हैं, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, उसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे दोस्तों हमारा जो यहाँ पर डिजी लॉकर है उसके माध्यम से यहाँ पर जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो फैच कर लिए गए हैं और यहाँ पर देखने को मिलेगा योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाई, हमारा आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है, परमिशन को अलाउ करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको एक सेल्फी देनी है, सेल्फी कैप्चर करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो KYC है वो कंप्लीट हो चुकी है, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने निकल कर आता है कि हमें जो है यहाँ पर 2 लाख रुपये तक का क्रेडिट लाइन मिलेगी, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा गेट पावर लोन अप टू 2 लाख, यहाँ पर बताया गया कि रिंग एप्लीकेशन पर आपको लोन लेने के लिए यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हमारा जो लोन का ऑफर है दोस्तों 50,000 रुपये का निकल कर आया है, 5 मिनट के अंदर इस पैसे को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है टेल अस मोर अबाउट यू, हमें अपनी कुछ पर्सनल डिटेल देनी है, फादर फुल नेम, अपने फादर का फुल नेम बताएंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमसे कुछ परमिशन पूछी जाती हैं, दोनों जगह चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे आधार कार्ड का जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, किसी एक एड्रेस को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारा जो भी लोन का ऑफर है वो देखने को मिलेगा,
तो हमारा जो 50,000 रुपये का उनका ऑफर था वो अनलॉक हो चुका है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और बताया गया है कि भाई 50,000 रुपये का अगर हम लोन लेते हैं तो हमारे बैंक में जाएगा 48,230 रुपये, और हमारी जो मंथली ईएमआई पड़ेगी वो 6,422 रुपये की पड़ेगी। और इसका जो टेन्योर है, यानी कि ये जो हमें लोन मिल रहा है, ये पूरे 9 महीने के लिए मिल रहा है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 36% है। इस लोन की और अच्छी से डिटेल जानने के लिए व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली डिटेल आ जाती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोन जो है वो 50,000 रुपये का है, प्रोसेसिंग फीस हमारी 1,500 रुपये जा रही है, और इस 1,500 रुपये की प्रोसेसिंग फीस पर GST लग रहा है 270 रुपये, और टोटल मिलाकर हमारी जो फीस है वो 1,770 रुपये है। तो 50,000 के लोन में से 1,770 रुपये काट कर बाकी का जो पैसा वो हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा, जो कि 48,230 रुपये होगा। और यहाँ पर जो टेन्योर है हमारा वो 9 महीनों का है। हमारा जो टोटल ब्याज पड़ेगा 7,865 रुपये पड़ेगा, और हमारी जो रीपेमेंट है टोटल वो 57,865 रुपये पड़ेगी। मतलब 50,000 का लोन लेंगे, 57,865 रुपये हमें रीपेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद ये लोन लेने के लिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड बैंक डिटेल, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी मेरा बैंक अकाउंट सिलेक्ट है, पर अगर आप अपना दूसरा कोई बैंक यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, ऐड अनदर बैंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना IFSC कोड डालना होगा, अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, ठीक है, आपका जो बैंक खाता है उसमें क्या नाम है यहाँ पर डाल देंगे, अपना अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, सेविंग है या करंट है, और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये जो पैसा है कुछ ही मिनटों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, और इस तरीके से आप जो है इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट तरीका था रिंग एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने का। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।